Hello student, how are you? Today we have English reader class of grade 6th, English Improver. We have a second lesson, The Secret of Success by James Allen. He was born in 1864. He was a great writer. He wrote many essays. This is also an essay and it is taken from his famous book, Poverty to Power. And he died in 1912. I read the chapter. There is a success and power where there is a health. Kamyabi aur taakat wahin par hai jahan par sehat hai. Failure and painful incident can find no place. Jo stay in such one disease. Jo failure और पेनफुल यानी जो कामयाब नहीं होते हो या दर्द भरे इंसिडेंट्स हैं उनके लिए कोई जगह नहीं होती उन रोगों के लिए एक हेल्दी बॉडी के अंदर जाने के लिए. इसने फर्स्ट लाइन ही कहा है कि सक्सेस एंड पावर इज वेयर देयर इज अ हेल्थ. अगर आपके पास अच्छी सेहत है तो आपके पास कामयाबी और ताकत दोनों आएंगी. मेनली बेसिकली दिस लेसन इज डिपेंड ऑन योर गुड हेल्थ. फिर रिलीज एज सून एज द सिकनेस is a result of our own sign, the Shenor shell, we entered upon the highway of health. जैसे जैसे हम sickness को छोड़ते हैं, release करते हैं, मतलब अपने अंदर से बीमारियां हटाते हैं, हम एक highway of the health, यानी कि एक highway होता है ना, जैसे main road, highway सबसे बड़ा road होता है, तो एक अच्छी health की side, हमारा एक पहला कदम होता है. अगर हम बीमारियों से लड़ते हैं तो अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, सॉरी, डिजीज केम टू दोज हु अट्रैक्ट इट टू एंटर अपॉन सॉरी हु अट्रैक्ट हिम दोज माइंड्स एंड बॉडीज आर रियली टू अडॉप्ट इट. जो बीमारियां हैं वो डिजीज कम्स टू दोज हु उनमें आती है, जो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं दिमागी तौर पर या उनकी बॉडी रेडी रहती है, तैयार रहती है उनको अडॉप्ट करने पे. आप कभी भी सोच देखना, जब हम बीमार होते हैं तो हम मेंटली भी होते हैं. कई बार हमें जैसे पेन होता है तो हम सोचते हैं कि जब तक गोली नहीं लूंगी सिर का दर्द नहीं जाएगा, तो वो हमारा माइंड से होता है. हम टैबलेट ले लें तो हमें ये होता है कि हाँ अब हमने टैबलेट ले ली अब हम ठीक हो जाएंगे. तो जो बीमारियां हैं वो ज़्यादातर वहीं जाती हैं जो बॉडी और माइंड यानी दिमाग और शरीर उसे अट्रैक्ट अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहता है कि भाई आ जा बीमारी मेरे पास. Flees from strong, pure and positive thinker and life game currents. लेकिन जो मजबूत प्योर पवित्र पॉजिटिव जो कि पॉजिटिव आपका होता है राइट थिंकिंग थिंकर एंड गिव लाइफ टू करंट. लेकिन उनको वो करंट देती है, करंट होता है आपकी लाइफ में चलने के लिए जो आपको पावर चाहिए. जिनके पास अच्छी बॉडी होती है और अच्छा माइंड होता है उनकी लाइफ में करंट का काम करते हैं, करंट देने से हमारे तारों में करंट निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी में चलने की जो सीख है वो हमें एक अच्छी बॉडी और गुड हेल्थ ही देती है. यू कैन नॉट एक्सेप्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ इफ यू आर सफरिंग विद एंगर वरी ग्रीड जेलसी एंड रेस्टलेस. हम कभी भी एक अच्छे फिजिकल बॉडी के बारे में यानी फिजिकल हो गया शारीरिक हेल्थ गुड हेल्थ शारीरिक हेल्थ शारीरिक गुड हेल्थ के बारे में नहीं सोच सकते अगर हम अपने माइंड में गुस्सा चिंता लालच जलन और बेचैनी रखते हैं. तो हमारा माइंड कभी भी कंडीशंस रेस्टलेस कंडीशंस ऑफ माइंड अगर हमारे माइंड की ये सारी कंडीशंस हैं तो हमारी बॉडी फिजिकली कभी भी फिट या हेल्दी नहीं हो सकती, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकती. अगर हमारे में गुस्सा है चिंता है जलन है लालच है बेचैनी है तो ये कंडीशंस हमारे दिमाग को खराब कर देती हैं. इट मीन्स दैट यू आर शोइंग शीट्स ऑफ डिजीज इन योर बॉडी. इसका मतलब है कि आप अपने शरीर के अंदर बीमारी के रोग के बीजों को बो रहे हैं. शोइंग SOWING शोइंग होता है बोना शीट्स ऑफ डिजीज यानी कि बीमारी को बुला रहे हो. अगर आपके अंदर चिंता है लालच है जलन है बेचैनी है और क्या कहते हैं गुस्सा है तो आप अपने अंदर रोगों को बुला रहे हो रोगों के बीज को बो रहे हो. यू शुड कीप योर माइंड इन ऑर्डर एंड
keep your thoughts pure, then you would enjoy perfect physical conditions. अगर आप अपने mind को अच्छा रखते हो, अपने विचारों को अच्छा रखते हो, तो आप एक perfect, संपूर्ण physical conditions, यानी कि एक अच्छी physical condition, physical वो ये शारीरिक conditions आपकी ला सकते हो अपनी लाइफ में, मतलब कि एक परफेक्ट लाइफ आप जी सकते हो. इफ यू विल थिंक जॉयफुल एंड लव थ्रू थॉट्स देन देयर इज नो नीड टू टेक एनी मेडिसिन. अगर आप खुशी से और अच्छे से परफेक्शन से रहते हो, खुश रहते हो, तो आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में एक अच्छी बॉडी, एक अच्छे शारीरिक शरीर को पाने के लिए. इफ यू वॉन्ट टू कीप अवे द डिजीज ऑफ हेडेक, लीवर प्रॉब्लम, नर्वसनेस एंड जॉइंट्स एक्ट, देन कीप अवे फ्रॉम वेरीज, जेलस, हार्टेड, सेल्फिशनेस एंड सस्पिशियस. तो आप अपनी लाइफ में से ये प्रॉब्लम, आपके जैसे नर्वसनेस होता है, घबराहट, हेडेक होता है, सिर का दर्द, सॉरी आई हैव अ नॉट अ बुक सो इट्स अ प्रॉब्लम क्रिएट्स आई एम ट्राई टू, जॉइंट्स, आपके जो घुटनों में दर्द होता है, उन सबको, जलन को, अपनी चिंताओं को, अपनी नफरत को, अपनी सेल्फिशनेस होता है, क्या बोलेंगे प्रॉपर मीनिंग, मतलबी, सुपीशियस, सस्पिशियस होता है आपका,